लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलेल में आज 14 अक्टूबर 2020 को एक्शन एड और आदित्य बिरला लाइटिंग लिमिटेड द्वारा संचालित नई परियोजना के तहत निचलेल ब्लॉक सभागार में ब्लॉक स्तरीय कन्वेंशन बैठक का आयोजन किया गया। मास्क वितरण कर सामाजिक दूरी पर बैठकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 15 गांव से 30 लोग आए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बीआरसी से अखिलेश कुमार, सहायक लेखाकार श्री नरेंद्र चौधरी और कृषि विभाग से शुक्ला जी, बीटीएम और ग्राम प्रधान प्रेरक और एसएमसी अध्यक्ष आदि लोगों के साथ कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में एक्शन एड के सहायक जिला समन्वयक साफ हैजल हुसैन ने परियोजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 6 से 14 वर्ष के ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन और ठहराव सुनिश्चित कराने पर परियोजना कार्य कर रहा है। प्रवासी मजदूर के बच्चे और ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हांकन किया जा रहा है। इस लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रहा है, इसको कैसे नियमित बनाया जाए, इसके लिए भी सभी को अपने गाँव में बच्चों को नियमित घर पर 2 से 3 घंटे पढ़ने को कहें और अभिभावक बच्चों को घर बैठा कर पढ़ने पर ध्यान दें। जब तक स्कूल बंद है तब तक। फिर बीआरसी से श्री अखिलेश कुमार, सहायक लेखाकार, बताया कि शानदार कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन अध्यापक द्वारा कराया जा रहा है। जिले का 6830 का टारगेट भी मिला है, उसको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग बच्चों के चिन्हांकन नामांकन तेजी से कर रहा है। मुसहर मंच के दिनेश प्रसाद जी मुसहर बच्चों के शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सन 2000 में मुसहर के कोई बच्चा 10 पास नहीं था, आज बीएएम में बीएड है। यह जागरूकता का दिन है, इसलिए सबको तन मन से बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में बढ़िया मुस्तकी से रोजगार सेवक आदिबली और ग्राम प्रधान भिड़ियारी कुंवर बिजमल, कमिश्रा ग्राम प्रधान प्रमद देई, चंदा ग्राम प्रधान रामचंद्र प्रसाद, झुन्नी ग्राम प्रधान संजय मदसिया, ढेसो के पूर्व ग्राम प्रधान अजीमुल्ला अंसारी, प्रेरक गेनू मुसहर, ईसा मदन प्रसाद, राजू बिंदु, महेश गब्बू प्रसाद, शंभू धर्मेंद्र प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलो से राकेश गौर की रिपोर्ट।